आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मजेदार प्रॉन्स की बिरयानी। तो इस मजेदार सी बिरयानी को बनाने के लिए हम प्रॉन्स ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम प्रॉन्स लिया है। इसे मैंने वॉश करके अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसको हमें मैरिनेट करना है, तो इसमें डालते हैं एक बड़े नींबू का रस, हल्दी का पाउडर है आधा चम्मच और नमक प्रॉन्स के हिसाब का डाल लेते हैं। अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इस प्रॉन्स को हम मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं फ्रिज में आधे घंटे के लिए। अब ये बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमें कुछ खड़े मसालों को रोस्ट करना है। पैन को रख लेना है मीडियम फ्लेम पर। इसमें डालेंगे 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 छोटा सा टुकड़ा है जावित्री का, आधा चम्मच काली मिर्च, 3 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच है शाही जीरा, 4 से 5 लेंगे तीखी वाली सूखी लाल मिर्च, 1 डाल लेना है तेजपत्ता। खड़े मसालों को हल्का सा आधे से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं और जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसको डाल लेंगे ग्राइंडिंग जार में। ग्राइंड करके ये मसाले को अब हम रेडी कर लेते हैं। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रख देते हैं। जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनाना है इसमें डाल लेना है 1/2 कप तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। हरी मिर्चों को हल्का सा पहले फ्राई कर लेते हैं, इसका सारा फ्लेवर रिलीज हो जाए तेल में। तब हम डाल देते हैं इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके। प्याज को फ्राई कर लेना है और इसमें हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, प्याज अच्छी सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं प्याज के साथ। टमाटर है 4 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए, इसे अब डाल देना है। टमाटर को प्याज के साथ हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर जैसे ही पक जाए प्याज के साथ हम इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, अब हमें इसमें डाल देना है बिरयानी का मसाला जो हमने रेडी किया हुआ है। 1 कप भरकर तली हुई प्याज है, इसे डाल देंगे, क्रश करके डालेंगे इसे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में एक बार घुमा कर भी डाल सकते हैं। अब जो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स हमने रखा हुआ है इसे डाल देना है, साथ ही इसके डाल देते हैं मसाले के हिसाब का नमक। अब फिर से सारी चीजों को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी में हम इसमें ऐड कर देंगे, करीब 1/2 कप। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और प्रॉन्स को हम ढककर पकाएंगे बस 3 से 4 मिनट के लिए। प्रॉन्स बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे। प्रॉन्स हमारा 80-90% पक चुका है। अब इसमें थोड़े से हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते और थोड़े से डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को। ये ग्रेवी इतनी पतली होनी चाहिए इस तरह से कि चावल डालने के बाद ये बिरयानी अच्छी तरह से पक जाए। अब चावल हम डाल लेते हैं इस पर। ये 3 कप भरकर करीब 600 ग्राम 75-80% पके हुए चावल है, इसे डालकर सारी जगह हम फैला लेंगे। तली हुई प्याज का बचा हुआ तेल है ये 2 बड़े चम्मच भरकर, इसे डाल देते हैं सारी जगह। आप चाहें तो इस स्टेज पर फूड कलर को पानी में ऐड करके बिरयानी में डाल सकते हैं। थोड़े से डाल देते हैं तली हुई प्याज, बारीक कटे हुए पुदीने और धनिया के पत्ते। इमली को मैंने 1/2 घंटे भिगोकर इसका पानी ले लिया है, करीब 1/2 कप, इसे डाल देते हैं। इससे बिरयानी का फ्लेवर और भी उठकर आता है। अब ढक्कन लगाकर बिरयानी को हम दम पर पका लेते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। बिरयानी अच्छी तरह से दम पर पक जाए तब हम ढक्कन को हटा लेंगे। अब नीचे से ऊपर करछी को चलाते हुए चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। तो बस ये प्रॉन्स की बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत टेस्टी, सिंपल और आसान सी प्रॉन्स की बिरयानी की रेसिपी है। ट्राई जरूर करें। रेसिपी आज की अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर हिट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही झटपट मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।